जो भयावह स्थिति एक महीना पहले प्रिडिक्ट की जा रही थी कि 30 जून को 1 लाख के करीब केस होंगे, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे, आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग एक तिहाई। ये हम सब लोगों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की, सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सारे समाज के मेहनत का नतीजा है कि हमने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया। 60,000 केस की उम्मीद थी एक्टिव केसेस की, इस टाइम 60,000 पेशेंट्स होंगे, उसके मुकाबले आज दिल्ली में 26,000 पेशेंट हैं। उस वक्त ये प्रेडिक्शन थी कि 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, डेली इतने केस आ रहे थे, डेली इतने केस आ रहे थे, और उस टाइम डेली 250 नए मरीज ऐड होते जा रहे थे, तो एक ये पूरी सिचुएशन में डर था सिस्टम के अंदर कि रोज 250 बेड बढ़ाने पड़ेंगे अपने को। आज उल्टा हो गया। इस टाइम मैंने ऐप देखा अभी, इस टाइम दिल्ली में 5,800 बेड केवल, सारे अस्पतालों में मिला के अस्पतालों में 5,800 कोरोना के पेशेंट हैं, मरीज हैं। एक हफ्ता पहले 6,250 मरीज थे, पिछले एक हफ्ते में 450 मरीज कम हो गए बढ़ने की बजाय। आज हमने 15,000 बेड्स का इंतजाम कर लिया कोरोना के बेड्स का, अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड्स का, नॉर्मल बेड्स का, वेंटिलेटर का, आज हमने 15,000 बेड्स का इंतजाम कर रखा है दिल्ली में, लेकिन केवल 5,800 मरीज हैं। तो मरीजों की संख्या आज की डेट में दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। ठीक होने वालों की संख्या दिन ब दिन दिल्ली के अंदर, जो लोग कोरोना से, कोरोना हो रहा है ठीक हो रहा है, कोरोना हो रहा है ठीक हो रहा है, कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज से एक महीना पहले लगभग 38% मरीज ठीक हुए थे, आज दिल्ली के 67% मरीज ठीक हो गए हैं। टोटल 87,000 केस अभी तक दिल्ली में हुए, जिसमें से 58,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। लोगों को हो रहा है ठीक हो रहे हैं, लोगों को हो रहा है ठीक हो रहे हैं। और एक महीना पहले 8,500 बेड थे अस्पतालों में। हम लोगों ने सारे अस्पतालों से बात की, होटल वालों से बात की, आज दिल्ली में 15,000 बेड्स की व्यवस्था कर दी। और अब ऊपर वाले की कृपा से, आप सब लोगों की मेहनत से, 23 जून को 4,000 केस, डेली केसेस आते हैं ना, नए केस आते हैं, 4,000 के करीब, 3950 केसेस आए थे नए, लगभग 4,000 नए केसेस आए थे उस दिन, और कल लगभग 2,200 केस आए थे। तो पिछले एक हफ्ते में डेली वाले केस भी आधे नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में बढ़ जाएं, लेकिन पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं 2,000, 2,100, 2,200, 2,400, इसके इर्द गिर्द केसेस मंडरा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत कम होने लगी है। एक दिन ऐसा आया था जिस दिन लगभग 125 के करीब लोगों की मौत हुई थी, अब डेली 60-65 के आसपास हो रही है। इसे और भी कम करना है, लेकिन अब लगभग 60-65, लगभग आधी के करीब, जो पीक आई थी उससे आधी के करीब हो गई है। हमने टेस्ट की संख्या बहुत बढ़ाई है, अब टेस्ट की कोई कमी नहीं है। ले इसमें भी एक अच्छा संकेत ये है कि पहले 100 लोगों का टेस्ट करते तो उसमें लगभग 31 लोग कोरोना के मरीज पाए जाते थे, आज जब हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें केवल 13 कोरोना के मरीज मिलते हैं। ये सारी चीजें अच्छी हैं, ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि स्थिति अब काफी कंट्रोल में आ गई है,
स्थिति उतनी भयानक नजर नहीं आ रही जितनी एक महीना पहले थी। ये हम सब लोगों की मेहनत का नतीजा है, सब लोगों के मिले जुले प्रयास का नतीजा है। लेकिन इससे खुश होके हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अब हमें खुला नहीं कर देना सब कुछ। ये वायरस ऐसा है जिसका ये नहीं पता कि ये कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, किसी को कुछ नहीं पता। हो सकता है कि कल फिर से बढ़ जाएं केसेस। तो हम सरकार अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से, हम पूरी कोशिश जारी रखेंगे। जो हमारी 24 घंटे मेहनत चल रही है उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, वो जारी रहेगी और डबल मेहनत करेंगे ताकि अगर आने वाले समय में केसेस बढ़ते हैं तो उससे हम मुकाबला कर सकें। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ एक्सपर्ट्स ने लिखना चालू किया है कि दिल्ली का पीक आके जा चुका है और दिल्ली में अब केसेस नीचे जाएंगे। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, कृपया अभी इन एक्सपर्ट्स की तरफ ध्यान मत दीजिए। मास्क पहनते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए, इसमें जरा भी चूक नहीं करनी है।